तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेक्निकल के सभी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कैसे एक सही प्लेटफॉर्म को चूज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम्स ऐसे आते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे कि यार भाई हम लोग आज के डेट में 2023 ईयर में हम लोग ब्लॉगिंग को चुने या फिर यूट्यूब को। इसी चीज को लेकर बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूजन है और इसी चीज को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के जरिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करेगा और बहुत ही ज्यादा आपको सपोर्ट करेगा कि जानने के लिए कि आप लोग क्या कुछ कर सकते हो 2023 में, और आपको पहले यूट्यूब शुरू करनी चाहिए या फिर यूट्यूब पे जल्दी सक्सेस मिलेगा या फिर ब्लॉगर पे। सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली दफा विजिट करो, हमारी वॉइस पहली बार सुन रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को छोड़ के फेस कैम पे आ गए, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं अभी फिलहाल मेरा लैपटॉप का स्क्रीन टूटा हुआ है, तो स्क्रीन लैपटॉप का स्क्रीन कुछ खास नहीं काम चल जाएगा, लेकिन सोचा कि यार इस टॉपिक को कवर की जाए क्योंकि मुझे 4-5 डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि भाई हम लोग शुरू करें तो क्या करें, यूट्यूब करें या फिर यूट्यूब में जल्दी सक्सेस मिलेगी या फिर ब्लॉगिंग में। सब कुछ समझाएंगे। देखो यूट्यूब और ब्लॉगिंग पे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, इस चीज को समझने की जरूरत है। पहले हम डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कौन से प्लेटफॉर्म को आपको पहले चुनना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले YouTube की बात करें तो YouTube पे दोस्तों आप सभी को चैनल को मोनेटाइज करने के लिए 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर की जरूरत रहती है। अगर आप लोग शॉर्ट क्रिएटर हो तो 90 डेज के अंदर 10 लाख के व्यूज आपके पास आने चाहिए, ठीक है। अब देखो ब्लॉगिंग की बात करें तो ब्लॉगिंग पे करना क्या है, बस आपको फ्री प्लेटफॉर्म ब्लॉगर भी है या फिर आप होस्टिंगर के साथ भी जा सकते हो। होस्टिंगर के साथ इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखो जो भी बिगिनर्स है ना उनको होस्टिंगर ही बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में होस्टिंग प्रोवाइड करता है, जहाँ पे एक डोमेन आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। आपको एक अगर बाइक करने ही है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, या फिर technicalkesab.com पे जाओ, वहां पे आपको बैनर साइट पे लगा हुआ मिलेगा, वहां से परचेस करोगे तो पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन मैं करके दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सक्सेस कैसे मिलेगा, कहाँ पे जल्दी सक्सेस मिल सकती है या फिर मिलेगा भी या नहीं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि YouTube पे आपको सक्सेस लेने के लिए या फिर चैनल को मोनेटाइज करने से ही कोई सक्सेस नहीं हो जाता है, उसको कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है। और मेन है कंटेंट, आप अपने ऑडियंस को कौन सी कंटेंट प्रोवाइड करते हो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम लोग YouTube की, जैसे कि 4000 घंटे का वॉच टाइम और आपको 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। अगर आपने ये लगभग इसके अपने जब YouTube चैनल क्रिएट करा उससे बाद अगर आप ये चीज़ नहीं कर पाए 12 महीने के अंदर, तो आपका जो है नेक्स्ट 12 महीने के बाद आपको उसको क्राइटेरिया को कम्प्लीट करना रहता है, ठीक है। अब दोस्तों ब्लॉगिंग की बात करें तो यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, बस आपको आर्टिकल्स लिखने हैं, कॉपी पेस्ट आर्टिकल नहीं चलेंगे, ठीक है। आपको बस आर्टिकल्स लिखने हैं और आर्टिकल लिख के पब्लिश करना है। मिनिमम आपको 25 से लेकर 30 आर्टिकल्स लिखने हैं और जो भी वर्ड्स काउंट रहते हैं वो मिनिमम 12 ऐसे थे। आपको वर्डप्रेस में अगर आप वहाँ पे आर्टिकल लिखोगे तो मिनिमम 600 वर्ड का बता रहे हैं, लेकिन आज बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो 600 नहीं, आपको मिनिमम 1200 वर्ड के आर्टिकल लिखने हैं, मैक्सिमम आप कितना भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको मोनेटाइज के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। मोनेटाइज के लिए अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे मोनेटाइजेशन इनेबल कर दिया जाएगा ब्लॉगर पे, और आपकी यूट्यूब पे भी मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा अगर आप 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हो। अब दोस्तों इन दोनों में कंपेयर करें तो आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा मेहनत लगी है। ऑफकोर्स कि आपको लग रहा होगा कि यार यूट्यूब ज़्यादा मुश्किल है ना, क्योंकि यूट्यूब में क्या है कि वीडियो बनानी पड़ती है, फेस कैम करना पड़ता है या फिर वॉइस ओवर करना पड़ता है, लेकिन ब्लॉगिंग पे ऐसा नहीं है। ब्लॉगिंग के पास आप लैपटॉप ले लो, डेस्कटॉप के सामने बैठ जाओ, बस धड़ाधड़ कीवर्ड रिसर्च करो और आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दो, है ना। अब दोस्तों देखो यहाँ पे आपको बताऊँ कि सक्सेस कहाँ जल्दी मिलेगी, कौन सा ईजी रहेगा। दोस्तों मेरी एक्सपीरियंस माने तो ये आप लोगों देख सकते हो मेरी, ठीक है। ये मैंने शुरू करा था यूट्यूब चैनल, आज से लगभग 2-3 न्यू लॉन्च हुआ था, लगभग 85,000 सब्सक्राइबर था, बहुत ही बढ़िया चैनल ग्रो हो रहा था, लेकिन मुझे यूट्यूब के बारे में पता नहीं था, तो उसके पॉलिसी वायलेशन के लिए मेरी जो ये जो चैनल है इसको उड़ा दिया गया। अब मुझे ये चैनल मैंने खड़ा किया है टेक्निकल के साथ, ठीक है। अब दोस्तों देखो मैं आप सभी को बताऊं कि कौन सी प्लेटफॉर्म बहुत ही सही है आप सभी के लिए काम करने के लिए, तो मेरी रिकमेंड रहेगी आप YouTube को चुनो। देखो YouTube को चुनो, YouTube को चुनने से ये होगा कि आपको चाहे वीडियो बनाने में टाइम लगे, ठीक है, आप चाहे एक हफ्ते में एक वीडियो डालो या फिर 3 दिन में एक वीडियो डालो, लेकिन क्वालिटी के वीडियोस डालो, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ डालो कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप। अगर आप 3 महीने तक यहाँ पे मेहनत करते हो तो आपका जो चैनल है ये मोनिटाइज हो जाएगा,
ठीक है। और दोस्तों मैं आप सभी को बताऊं कि YouTube का जो एल्गोरिथम ये ऐसा है कि आपने अगर थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज ले ली ना तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ब्लॉगर पे क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है, बस बैठना है और लिखना है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ब्लॉगर भी आज के डेट में बहुत ज्यादा कंपटीशन लेके आ रहे हैं, और यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप अच्छी क्वालिटी कॉन्टेंट नहीं देते हो गूगल को तो गूगल आपके आर्टिकल्स को कभी भी रैंक नहीं करेगा। तो आपको दोस्तों पहले तो क्या है, आपको स्मार्ट तरीके से सीखना पड़ेगा कि आपको रैंक कैसे कराना है। लेकिन YouTube में ऐसा नहीं है, YouTube में बस आप वीडियो लिखो, वीडियो बनाओ, टाइटल लिखो और पब्लिश कर दो, देखना गाइस कुछ टैग्स लगा दो, उसके रिलेटेड आपको व्यूज आना शुरू हो जाएंगे कुछ दिनों बाद। लेकिन ब्लॉगिंग पे ऐसा नहीं है, ब्लॉगिंग पे आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करना है, आपको लिख के लोगों को दोस्तों अच्छी कंटेंट मतलब प्रोवाइड करनी है, उन सभी को अच्छी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद जाके आपकी जो साइट है वो ऊपर आएगी, जो आपकी ब्लॉग पोस्ट है वो ऊपर आएगी, और ऊपर आने के बाद आपको ट्राफिक आएगा, और ट्राफिक आने के बाद आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। ये मेरी एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन यूट्यूब पे ऐसा नहीं है, यूट्यूब पे आपको व्यूज आ गए, ठीक है, तो आपको वहाँ पे एड शो होंगे, वहाँ पे क्लिक होकर आपको पैसे आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ब्लॉगिंग पे ऐसा नहीं है, मैं मानता हूँ कि ब्लॉगिंग पे आपको गूगल एडसेंस के अप्रूवल कैसे लिख सकते हो, ठीक है, सारी चीजें मैंने बता के रखी है, ठीक है। मैंने भी खुद ब्लॉगिंग से शुरुआत नहीं करी है, मैंने भी खुद यहाँ पे पहले YouTube से शुरू करा, उसके बाद सीखा चीजों को, उसके बाद मैं ब्लॉगिंग फील्ड पे गया, ठीक है। अभी भी मेरे लगभग 7-8 साइट है, लेकिन मेरे फिलहाल अभी जो रनिंग में वो 3 ही साइट रनिंग हो रहे हैं, बाकी के साइट को मैं अभी भी रैंक नहीं करा पा रहा हूँ। तो इसके लिए टाइम देना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं कर सकता था, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास है ना, मैं 24 आवर्स उससे में लगता हूँ, नहीं, मैं जॉब करता हूँ, जॉब में मेरी 10-12 घंटे चले जाते हैं, तो उसके बाद आके मैं ब्लॉगिंग या फिर यूट्यूबिंग करता हूँ। तो इसमें दोस्तों देखो, अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो ना, तो पहले तो मैं बताऊँ कि मल्टीपल ब्लॉग आप स्टार्ट मत करो, सिर्फ एक ही ब्लॉग स्टार्ट करो, और एक ही नीड्स को लेकर स्टार्ट करना, एक ही सब्जेक्ट को लेकर, चाहे आप बिजनेस के ऊपर लिख सकते हो, चाहे आप बायोग्राफी के ऊपर लिख सकते हो, चाहे आप शायरी के ऊपर लिख सकते हो, चाहे कोई भी टॉपिक के ऊपर लिखो, लेकिन एक ही टॉपिक के ऊपर आपको स्टार्ट करनी है। अभी देखो मिक्स कंटेंट का जमाना चला गया, पहले क्या था, आज से 2-3 साल पहले कि लोग है ना मिक्स कंटेंट को डाल के भी साइट को रैंक करा लेते थे, लेकिन अभी की डेट में मिक्स कंटेंट काम नहीं करेगा। तो अभी आपको सिंगल एक ही सब्जेक्ट को लेके या फिर निश को लेके चलना है, इससे आपकी भी बेनिफिट से और आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं आप सभी को मैं फिर से बताना चाहूंगा, यहाँ पे YouTube या फिर ब्लॉगर, दोस्तों मैं आप सभी बता दूं, ब्लॉगिंग की जो है ना फील्ड है ना, ये थोड़े अलग टाइप के है, यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करनी है ना, लोग जो कर रहे हैं उसको नहीं करना, थोड़ी अलग तरीके से करना है। हालांकि YouTube पे भी आपको स्मार्ट वर्क ही करनी है, लेकिन बस आप टाइटल लिखोगे, टाइटल लिखने के बाद आप अगर उसको पब्लिश भी कर देते हो तो वहाँ पे व्यूज आएगा, ठीक है, आएगा, क्योंकि YouTube जो है यहाँ पे नए नए क्रिएटर्स को चांस देता है। लेकिन ब्लॉगिंग पे ऐसा नहीं है, ब्लॉगिंग पे आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है, देखने की कौन सी कीवर्ड में ज्यादा सर्च वॉल्यूम है, उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखने चाहिए बहुत ही बढ़िया तरीके से। उसके बाद अगर आप आर्टिकल लिखोगे और वो रैंक होगा तो उसके बाद, क्योंकि आपसे भी बहुत ज्यादा हाई अथॉरिटी के वेबसाइट रहते हैं, यूट्यूब पे भी हाई अथॉरिटी यूट्यूब चैनल्स हैं, लेकिन क्या है कि अगर उसमें क्लिक करेगा, उस जो भी पर्टिकुलर पोस्ट, अगर वीडियो पे यूट्यूब की बात करो, वीडियो पे क्लिक कर देगा तो नीचे आपको आपकी वीडियो रेकमेंड कर सकती है। लेकिन ब्लॉगिंग पे ऐसे नहीं है, ब्लॉगिंग पे आपको खुद स्मार्ट वो तरीके से काम करनी है, और वहां पे आपको ट्राई करना है कि टॉप 10 रिजल्ट में, टॉप 10 तो आजकल कोई देखते नहीं, टॉप 5 रिजल्ट में आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है उसको रैंक करना है। मैं मानता हूँ कि ब्लॉगिंग पे बहुत सारे लोग अभी भी लाखों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, मैं भी हजारों रुपए कमा रहा हूं, लेकिन क्या है ना गाइस, उसमें थोड़े स्मार्ट तरीके से काम करनी है और थोड़ा वक्त दे देना है, ठीक है। YouTube को भी आप 6 महीने टाइम दो और ब्लॉगिंग को भी 6 महीने टाइम देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। वैसे तो आपके मोनेटाइज अगर आप चाहो तो ब्लॉगिंग, आप जो ब्लॉग है आपकी लगभग आप 2 महीने के अंदर उसको मोनेटाइज कर सकते हो, ठीक है, 1 महीने भी आप मोनेटाइज हो जाएगा 1 महीने में भी, लेकिन यूट्यूब में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन पैसे भी आपको अच्छे मिलेंगे यूट्यूब में, और यहाँ पे आपकी वीडियोज भी बहुत जल्दी चलना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको कौन से नीड चूजने चाहिए। देखो आप स्टार्ट करने के लिए आप एक ही ब्लॉग स्टार्ट करो आज के डेट में, और एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, ये दोनों साइट दो चीजें स्टार्ट करो, मैं फिर ग्रोथ देखो। आपको ब्लॉग यूट्यूब पे बहुत जल्दी ग्रोथ देखने को मिलेगा, और ब्लॉगिंग पे धीरे धीरे, क्योंकि वहां पे आपको खुद आर्टिकल लिखना पड़ेगा। आपको AI से कहीं से भी कॉपी कर लेते हो, AI से है ना जनरेट करके आप डालोगे, तो आपको यहाँ पे आपकी जो
ब्लॉग पोस्ट है, जो भी पोस्ट आप डालोगे गूगल पे, ये रैंक नहीं होगा। अगर रैंक नहीं हुआ तो ट्रैफिक नहीं आएगा, ट्रैफिक नहीं आया तो पैसे नहीं होंगे, ठीक है। और यूट्यूब पे ऐसा नहीं है, यूट्यूब पे वीडियो बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, जो भी स्किल है आपकी, उसके बाद आपको धड़ाधड़ कुछ समय बाद व्यूज आना शुरू हो जाएगा, आपकी वीडियो को रिकमेंड किया जाएगा, ठीक है। तो मैं आप सभी को बताऊं कि सबसे इजी जो तरीका है वो है यूट्यूब, और सेकेंडली ब्लॉगिंग, ठीक है। ब्लॉगिंग को इजी मत समझना गाइस, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। आई होप कि यार जो भी कहना चाहता हूँ मैं आपको समझ आ चुका होगा। अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो मेरे साथ तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और अभी की डेट में आप कौन से चीज़ों को प्रेफर करें, कौन सी चीज़ों को है ना आप पहले करें, तो आप मैं उसी को बता दूँ। आप यूट्यूब भी शुरू करो, ब्लॉगिंग भी शुरू करो, ठीक है। देखो ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए आपको लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मोबाइल फ़ोन पे पॉसिबल नहीं होगा, तो लैपटॉप बहुत ज़रूरी है। लैपटॉप नहीं है तो यूट्यूब चैनल शुरू करो, मोबाइल से ही हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करवाया है, उनको मोटिवेट करके वो वीडियो बना के ब्लॉगिंग चैनल बहुत बड़े बड़े बन गए, टैग के चैनल बन गए, फैक्ट के चैनल बन गए बहुत बड़े बड़े। एक बंदा तो यार मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर लेके बैठा है, गोल्डन प्ले बटन पे मिल गया उसको। एक समय पे मेरा आर्टिकल लिखता था, मेरे जो है ब्लॉग के लिए आर्टिकल लिखता था, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा जो भी कहना चाहता हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जरूर से जाएं और फॉलो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नए वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए देखते रहें और सीखते रहें।